जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांड अकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर SSC GD में जितने भी जॉब है, CRPF, BSF, ITBP, CISF, NIA, SSF, इनमें से सबसे अच्छी जॉब कौन सी है और सबसे बुरी जॉब कौन सी है। दोस्तों, इनकी ड्यूटीज़ क्या है, इनमें से सबसे अच्छी ड्यूटीज़ किसकी है और सबसे ख़राब ड्यूटीज़ किसकी है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज का वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि सबसे अच्छी जॉब कौन सी है। और पहली बात तो ये कि ये जॉब है ही नहीं। अब कैसे नहीं, वो आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। साथ ही मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी, जिसपे मैं तो रीजनिंग की रेगुलर क्लास चलाता हूँ, साथ ही जो आने वाली नई वैकेंसी हैं उनके बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि आप अपडेट रहते रहो कि कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। दोस्तों, तो अब इन जॉबों में से सबसे अच्छी जॉब कौन सी है और सबसे बुरी जॉब कौन सी है। पहली बात तो आप किसी भी फोर्स को, स्पेशली आप जब फोर्स ज्वाइन करने वाले हो, तो इसको जॉब वर्ड को आप डिलीट ही मार दीजिए। क्योंकि आप एक बात मान के चलिए कि जॉब, जैसे कि आर्मी चीफ ने कहा था कि जो आर्मी की जॉब है वो जॉब नहीं है, एक त्याग और तपस्या है। क्यों जॉब नहीं है? क्योंकि जॉब तो और भी बहुत सारी है। जॉब करनी है तो आप रेलवेज है या बैंक है, इनमें जॉब करिए, ये जॉब नहीं है, ये आप पश्चाताप है। जितनी आप तैयारी, जितनी मेहनत कर रहे हो फोर्स में ज्वाइन करने के बाद में, आप मान के चलिए इसका 10 गुना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फोर्स में जॉब कर, मतलब एक रूप से अपना जीवनी निकालने के लिए फोर्स में। जितनी कठिनाइयों का अभी आप सामना कर रहे हो, शायद उसके 5 गुना ज़्यादा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, केवल क्योंकि फोर्स की जो जॉब होती है, जो फोर्स जिस रूप से काम करती है, चाहे वो आर्मी हो, CRPF, BSF, ITBP, CISF, NIA, SSF, आप इनमें से किसी में भी अगर आप जॉब करते हो, तो ये मान के चलिए कि आपसे ये बहुत कुछ लेता है। तो ये देशभक्ति है और इनमें आपको देशभक्ति दिखाने का अगर जज्बा है, तो पहले बात तो कि इनमें से कोई भी बुरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये वर्दी आपको इन सभी जॉब में मिलती है, चाहे वो CRPF की हो, चाहे BSF की हो, ITBP, CISF या NIA हो, चाहे SSF, सभी में ये वर्दी मिलती है। और मेरे ख्याल से ये वर्दी पहन के जो प्राउड फील करते हो आप, चाहे कोई भी फोर्स में हो, कोई भी फोर्स में अगर आप जॉब करते हो और ये वर्दी पहन के अगर आप जो प्राउड फील करते हो, मेरे ख्याल से और कहीं ये प्राउड नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको फोर्स की वर्दी मिल रही है, चाहे कोई भी फोर्स की हो, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी प्राउड है और उससे अच्छी आपके लिए कोई जॉब नहीं हो सकती। आपके लिए वही अच्छी है जिसकी आपको वर्दी पहनने का सौभाग्य मिला, चाहे आप वो CISF हो, चाहे BSF हो, ITBP, क्योंकि सभी जो हमारे देश में पैरामिलिट्री फोर्स है या आर्मी है, इनका सभी का जो काम है, काम करने का जो तरीका, आप सभी को पता है कितने बलिदान हैं इनके देश की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। चाहे ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स हो, चाहे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो राजस्थान पाकिस्तान से जुड़ी सीमाओं पर हमेशा अपनी निगरानी करता है, चाहे CRPF हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो देश में शांति बनाए रखने के काम करता है, देश की आंतरिक सुरक्षा देखता है, साथ में चाहे CISF है। तो सभी फोर्स अपने आप में पूर्ण है और सभी का जो काम करने का तरीका अलग होता है, काम अलग होता है, लेकिन एक चीज़ सेम होती है, देशभक्ति। तो अगर आप देशभक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके जहन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि आपको कौन सी फोर्स चुननी चाहिए या कौन सी फोर्स आपके लिए अच्छी है। फिर भी अब अगर बात करें कि, क्योंकि आप जब एक नए रूप से आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो या SSC GD में लगने वाले हो या आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको कौन सी फोर्स मिलने से आपको किस प्रकार की जॉब मिलती, उसके बारे में अगर बात करें हम, तो दोस्तों बता दूँ, आप चाहे किसी भी फोर्स में जाओ, फोर्स का जो काम होता है, आप एक चीज़ याद रखना, अगर आप फौजी बन रहे हो तो इस बात को हमेशा याद रखना, जहाँ रिस्क है वहाँ फौजी फिक्स है। बिना रिस्क के आपको फौजी कहीं नहीं मिलेगा। आप देखना कश्मीर में चले जाओ, कितनी फौज है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिस्क है, जहाँ रिस्क वहाँ फौजी फिक्स है। तो जहाँ अगर आप फौज की नौकरी कर रहे हो तो रिस्क तो पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है, यह सत्यता है, इसमें कोई शक नहीं, त्याग पक्का है। आपको बलिदानी भी देनी पड़ती है, अपने परिवार से दूर रहने का भी त्याग करना पड़ता है, कुछ आपकी जवानी का 80% हिस्सा आपको यहाँ बिताना पड़ता है, 70-80% हिस्सा फौज में देना पड़ता है। ऐसे ही मातृभक्ति नहीं होती है, एक माँ को छोड़ के दूसरी माँ की रक्षा ऐसे ही नहीं होती है। एक देशभक्ति सॉन्ग भी सुनते हो ना कानों में, जब देशभक्ति सॉन्ग भी सुनते हो ना 5-10 मिनट के लिए, तब भी सोचिए कि कितना मतलब प्राउड फील होता है और कितनी मतलब फीलिंग्स होती है एक देश के प्रति। तो जब फिर आप इस जॉब में आके वही काम करते हो, तो आपको आपके लिए कितना बड़ा प्राउड है वो, इस बात को समझिए आप।
अब इनमें से सबसे अच्छी जॉब कौन सी, ये तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में ज्वाइन करना है। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फोर्स का काम क्या है। BSF के बारे में आप सभी को पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में ये काम करती है, शायद सब कुछ पता होगा BSF के बारे में कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो भारत पाकिस्तान से जो बॉर्डर की सीमा लगती है, और सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में भी BSF है, जिसका काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ जैसे इलेक्शन ड्यूटीज, आपदा प्रबंधक, इन सभी कामों में देश में काम करती है। आर्मी की जॉब के बारे में आप सभी को पता, बताने की ज़रूरत नहीं है। या इसमें अगर बात करें हम आर्मी की जॉब के बारे में, अगर अलग से बात करेंगे, अभी हम पैरामिलिट्री के ले रहे हैं, तो इसके बाद में अगर आप ले लें CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, कि जितने भी राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी रक्षा, जैसे टाटा स्टील प्लांट हो गया, या कोई देश का खुद का स्टील प्लांट है, या एयरपोर्ट ड्यूटी, मेट्रो ड्यूटी, इंडस्ट्रियल एरिया की ड्यूटी, चाहे वो एयरपोर्ट कश्मीर में वहाँ पे भी CISF है, चाहे वो लद्दाख में तो वहाँ पे भी है, तो इस प्रकार की ड्यूटी रहती है CISF की। मेट्रो में ड्यूटी है, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया उनमें ड्यूटी है, और अब जहाँ हर जगह रिस्क है, जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ पे ड्यूटी नहीं है, रिस्क सभी जगह हैं। उसके बाद में अगर CRPF के लो, तो CRPF आपको पता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, देश में सभी आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा CRPF के पास में, चाहे कश्मीर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये नक्सलाइट एरिया है कश्मीर, आतंकवादी एरिया, वहाँ पे भी ड्यूटी करती है CRPF। देश के अंदर जैसे इलेक्शन ड्यूटी हो गई, आपदा प्रबंधक के रूप में NDRF के रूप में, रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में, RAF के रूप में भी काम करती, कोबरा के रूप में नक्सल से लोहा लेने के लिए फोर्स भी स्पेशल फोर्स है, महिला बटालियन के रूप में भी CRPF की अलग से 5 बटालियन है। तो दोस्तों इस प्रकार से काम करती है CRPF। ITBP का भी आपको शायद थोड़ा बहुत पता होगा मोटा पटा, बाकी नहीं पता तो इनके बारे में स्पेशल मैंने डिटेल से वीडियो बना रखे हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP, जो भारत तिब्बत से जो बॉर्डर रेखा लगती है, जो हिमालय की कठिन उन परिस्थितियों में ITBP अपना काम अच्छे से करती है, वो ड्यूटी के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी या उन इलाकों में आने वाली आपदाओं से लड़ना, या देश में किसी भी प्रकार की इलेक्शन ड्यूटी या आपदा प्रबंधन के रूप में भी काम करती है। NSG और SPG में भी इसके कमांडोज बनते हैं। आपको बता दूं इनमें सभी फोर्स में से NSG और SPG में कमांडो बनते हैं, चाहे NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ये थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट सा जॉब है, अगर आप करना चाहो तो इसमें आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि एक थोड़ा सा इंटेलिजेंस टाइप का जॉब है, जैसे CID या CBI काम करती है, उस प्रकार से NIA काम करती, तो ये एक अच्छा जॉब है आपके लिए। आप विकल्प चुनना चाहो तो फर्स्ट चॉइस उसको भी चुन सकते हो, SSF को भी चुन सकते हो, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसको भी चुन सकते हो, ये भी एक अच्छा जॉब है। उसके अलावा अगर आपकी फिर चॉइस, अगर आप बोलते हो कि आपकी फिर कौन सी चॉइस होनी चाहिए, तो इन फोर्सों में से मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस अलग अलग होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी फर्स्ट चॉइस है या सेकंड चॉइस है, इनकी सभी की ड्यूटियाँ सेम है, थोड़ा सा काम करने का तरीका और जगह और दिशा बदल जाती है, बाकी फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वर्दी अच्छी लगती है, चाहे CISF की, CRPF की, BSF की, कौन सी वर्दी अच्छी लगती है, कौन किसका काम अच्छा लगता है, कौन किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में मैंने सभी के वीडियो बना रखे हैं अलग अलग, तो आप जाके देखिए और फिर आप सेलेक्ट करिए कि आपके लिए कौन सी अच्छी फोर्स है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।